स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं जो आप सभी को बताने वाला हूँ कि थंबनेल जो है किस तरीके से बनाए जाते हैं। आपने बहुत सारे ऐसे ट्यूटोरियल यूट्यूब पर देखे होंगे जहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है कि थंबनेल के लिए ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। मगर मैं जो यहाँ पर आपको सबसे पहले मतलब एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जिससे जो लगभग यूट्यूब पे 90% लोग जो थंबनेल मैं कहता हूँ कि यार इसी से ही बनाते होंगे, जितने भी मतलब टेक कैटेगरी के या फिर अदर कैटेगरी के जो भी हैं, लगभग सभी जो है 90% लोग जो इसी एप्लीकेशन से थंबनेल बनाते हैं। तो आप भी इस एप्लीकेशन का यूज़ करिए और थंबनेल बनाइए। तो कैसे बनाया जाता है और कौन से एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो वो सारी चीज़ मैं आगे वीडियो बताऊंगा। तो यार वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और साथ ही साथ नीचे रेड कलर का बटन है तो उसको क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ ही में नोटिफिकेशन जो बेल आइकन आएगा उसको जरूर दबा लेना ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन जो आपके पास तक का पहुंच जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। तो यार धूप जो बहुत ज़्यादा हो रखी है और मैं बहुत दिनों से वीडियो भी नहीं बना रहा था। लास्ट टाइम मैंने दो टाइम वीडियो शूट करने का मतलब सोचा, वीडियो शूट भी करी, कम से कम 2-4 मिनट की वीडियो शूट करी, मगर जो धूप है वो बहुत ज़्यादा आ रही थी। जैसे कि आप मतलब हर बार की जो मतलब मेरी वीडियोज़ होती हैं उनमें आपने देखा भी होगा। तो अब मतलब बात करते हैं मतलब मेन टॉपिक पर कि मतलब थंबनेल जो किस तरीके से बनाया जाता है और कौन सी एप्लीकेशन जो मैं यूज़ करता हूँ। मैं क्या लगभग सभी जो यूट्यूबर हैं वो इसी एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं। इसका नाम है पिक्सेल लैब। आप यहाँ पर ये मतलब देख सकते हैं ये है वो एप्लीकेशन। तो आप इसको डाउनलोड कर लेना, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है तो वहाँ से आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। अब आपको करना क्या है, नॉर्मली इस एप्लीकेशन को ओपन करना है, मतलब डाउनलोड करने के बाद ओपन करना है। अगर डाउनलोड नहीं होता तो भी बता देना, वैसे आप प्ले स्टोर पर जाओगे लिख दोगे पिक्सेल लैब तो आपको मतलब डाउनलोड हो जाएगा। तो जब आप इस पिक्सेल लैब एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको मतलब इंटरफेस जो इसका देखने के लिए मिल जाएगा। सबसे पहले आपको जो वाला टेक्स्ट है इसको डिलीट कर लेना है। डिलीट करने के बाद इसका अब जो सबसे पहले मेन काम आता है कि इसका साइज मतलब जो थंबनेल का होता है वो क्या होता है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर 3 डॉट्स जो दिख रहे हैं यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद इमेज साइज में आना है। इमेज साइज में आने के बाद कस्टम को चेंज कर देना आपको यूट्यूब थंबनेल के अंदर। तो इसका जो साइज है वो 1280x720 पिक्सल्स में आ जाएगा। तो बस आपको ओके कर देना और यहाँ पर जो थंबनेल का साइज है वो चेंज हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको नीचे एक रो दिख रही होगी, यहाँ पर 5 जो है मतलब आइकन्स हैं। तो यहाँ पर आपको 4th नंबर वाला जो है इसमें आना है। इसमें आने के बाद कलर में आना है। कलर में आने के बाद यहाँ पर मैंने कुछ ग्रेडियंट जो है वो मतलब खुद से क्रिएट कर रखे हैं। तो मतलब जो कुछ अच्छे हैं कुछ बेकार है, मतलब मैं भी कुछ सीख रहा था उस टाइम पर, तो ये उस टाइम के। तो अब आप अपने हिसाब से जो भी आप मतलब क्रिएट करना चाहते हो तो यहाँ पर प्लस वाला आइकन पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो भी मतलब जिसका भी आप कलर चेंज करना चाहते हैं यहाँ पर आपको 2 मिल जाएंगे। अगर आप कोई और भी एक कलर ऐड करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, माइनस यहाँ से कर देंगे तो कलर जो रिमूव हो जाएगा। अब मेरे को इस वाले येल्लो को कलर चेंज करना है तो यहाँ पर कलर मतलब जो है यहाँ पर इसको करने के बाद ये जो पेंट बकेट है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो भी आप मतलब कलर व्हील है ये ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं स्काई ब्लू लेता हूँ, स्काई ब्लू ले लिया मैंने। और अब जो यहाँ पर मैं एक वाइट ले लेता हूँ, सेम उसी तरीके से वाइट लेने के लिए आपको इधर क्लिक कर देना है और इसको इधर ले जाना है तो ये वाइट कलर आ जाएगा। तो वाइट भी ले लिया मैंने। अब जो है मैं अपने हिसाब से मेरे को कहाँ रखना है, कैसे कैसे क्या रखना है तो सारी चीज़ मैं मतलब रख सकता हूँ। तो मैं वाइट जो शेड है उसको थोड़ा सा ऐसे साइड में रखता हूँ और जो ब्लू है उसको ऐसे ऊपर रख दिया मैंने। तो ये कुछ इस तरीके से मतलब जो मेरा ग्रेडियंट बैकग्राउंड जो है वो बन जाएगा। वो बनने के बाद अब आती है मेन बात कि मुझे जो है इमेज चूज़ करनी है यार, मतलब कि मैंने जो है इमेज लगानी है यहाँ पर। तो मैं आता हूँ गैलरी में, अपनी गैलरी में आने के बाद जहाँ पर भी मैंने मतलब अपनी जो इमेज है वो रखी है मैं उसको यहाँ पर उठा करके लेके आ जाता हूँ। तो ये आगे कुछ इस तरीके से इमेज मेरी, बैकग्राउंड किस तरीके से कट करना है वो आप सभी बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हो। अगर नहीं भी जानते हैं तो मैंने कुछ वीडियोस क्रिएट कर रखी है वो आप देख सकते हैं, वरना फिर मैं कम्युनिटी टैब में आप दे दूंगा अगर आप मतलब बोलोगे तो। फिर स्ट्रोक में आते हैं, स्ट्रोक में आने के बाद एक जो वाइट कलर की लाइन आती है वो मैं यहाँ पर दे लेता हूँ। तो मैं रखता हूँ यहाँ पर बहुत से ज़्यादा 5। अब जो वो वाइट लाइन दिख नहीं रही है, मेन बात ये आती है। फिर आपको शेडो में आना है। शेडो में आने के बाद यहाँ पर जब आप शेडो दे दोगे तो आपको जो दिखने लग जाएगी थोड़ी थोड़ी सी, और मतलब अगर ज़्यादा भी दोगे तो बेकार लगने लगती है। फिर अब सबसे पहले मेन बात कि अब यार मेरे वो सारे ऑप्शंस आ नहीं रहे। तो जो भी आपको मतलब ऑब्जेक्ट है जिसको मैं आप कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं सबसे पहले उस पर क्लिक करेंगे, उस पर क्लिक करके तो वो एक्टिव हो चुका है। फिर जो आपकी मतलब ये सारी चीज़ें आने लग जाएंगी। अब मैं अगर कलर फिल्टर में आऊँ, अगर मेरे को सेचुरेशन वगैरह बढ़ाना हो इस फोटो का तो वो चीज़ मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। तो देख लीजिए यहाँ पर इतना सेचुरेशन रखा मैंने और जो अभी इसको ये वाला लेयर वाला सेक्शन है तो इसमें आने के बाद मैं इसको लॉक कर दे रहा हूँ। तो ये हो गया मेरा आधा काम, मतलब यहाँ पर मेरा तैयार हो गया। फिर इसके आने के बाद न्यू मतलब प्लस वाला आइकन पे आने के बाद टेक्स्ट में आता हूँ। टेक्स्ट में आने के बाद जो भी मेरा टेक्स्ट है मैं उसको यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ हिंदी में, अगर मेरे को लिखना है तो मैं यहाँ पर गूगल इंडिक कीबोर्ड का यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिखा घर बैठे,
तो मैंने केवल इतना लिखा। इतना लिखने के बाद अब जो मेरी फॉन्ट वाली प्रॉपर्टी है, जितना मेरा टेक्स्ट वाला मतलब जो एरिया है, तो वो सारी चीज़ें मतलब यहाँ पर आपको मतलब जितने भी आप कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं वो सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएगी। सबसे पहला काम मैं फॉन्ट चेंज करता हूँ। फॉन्ट चेंज करने के लिए मैं माई फॉन्ट्स में गया। यहाँ पर मतलब मैंने कुछ फॉन्ट जो वो रख रखे हैं अपने अपने मतलब जो भी मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। तो अब आप अगर आप इनको डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी चीज़ आपको मतलब लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, तो जाकर के आप मतलब डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर मैं वाइट ले लेता हूँ और इसको जो है थोड़ा बहुत शेडो वगैरह जो वो दे देता हूँ। तो ये दे दी। अब शेडो से मेरे को थोड़ा बहुत मतलब ऑड सा लग रहा है, तो इसको शेडो में जाकर के मैं थोड़ी सी इसकी ओपेसिटी जो है वो कम कर देता हूँ। तो घर बैठे अब मैंने केवल इतना लिखा। अब यहाँ पर लिख देता हूँ मैं पैसा कैसे कमाएं। तो फिर दोबारा से आपको सेम यही चीज़ करनी है। माई फॉन्ट्स में आने के बाद जो भी आप मतलब फॉन्ट्स यूज़ करना चाहते हैं तो वो चीज़ आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने केवल इतना लिखा और जो अब जो है मैं इस वाले फॉन्ट का कलर जो है वो चेंज कर देता हूँ। तो मैं रख देता हूँ इसका मतलब रेड, और जो इसके जो मैं स्ट्रोक वगैरह जो दूंगा ये दूंगा मैं वाइट, ताकि जो मतलब और भी ज़्यादा देखने में अच्छा लगे। अगर मैं ब्लैक देता तो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तो ये देखिए मतलब कितना बेहतरीन से लग रहा है। तो घर बैठे पैसा कैसे, अब यहाँ पर लास्ट लाइन आती है कमाएँ, वो भी लिख लेते हैं। और अगर वीडियो पसंद आ रही है आपको तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। और यहाँ पर फॉन्ट मैं दोबारा से आकर के चेंज कर ले रहा हूँ, देखिए। तो फिर मेरे को केवल इतना रखना है। और अब जो है मैं इसमें क्या करूँगा, इसमें जो मैं इसका कलर रख दूंगा वाइट। अब आपको कि दोबारा से वाइट अच्छा भी लगता है, अगर आपको मन करता है ऐसे बैकग्राउंड लगाने का तो आप एक मतलब बैकग्राउंड में कुछ इस तरीके से लगा सकते हो। ये इसको मैंने ये इधर बढ़ाया और इसको इधर बढ़ा दिया। और फिर जो है लेयर में वाले सेक्शन में गया, मैंने इसको सबसे ऊपर ला दिया ताकि ये जो इसके नीचे आ जाए। अब थोड़ा सा और अजीब सा भी अभी भी लग रहा है, तो इसको क्या करता हूँ मैं यहाँ पर टॉप से पैडिंग जो इसकी वो कम कर दे रहा हूँ। इतना करने के बाद अब जो इसका कलर है उसको मैं कर देता हूँ येल्लो। येल्लो ब्लैक पे कुछ ज़्यादा मस्त लगेगा, तो इसलिए अब जो है इसको मैं यहाँ पर येल्लो कर ले रहा हूँ। येल्लो कलर का गया, ये रहे येलो। तो ये कुछ इस तरीके से थंबनेल बन गया, देख लीजिए मतलब कितना आसान और कितना आई कैची थंबनेल बन गया। अगर आप इसमें और भी चीज़ें ऐड करना चाहते हैं जैसे कि कुछ इमोजीज़ वगैरह देखते होंगे आप, तो यहाँ पर आपको स्टिकर्स के सेक्शन में आना है और यहाँ पर आप जो इमेज जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। ये जो है क्रैक वाला है, तो इसी वजह से जो है मतलब इसमें इतनी सारी चीज़ें हैंगी, मतलब कि ये सारी चीज़ें हैं जो भी मतलब ये यहाँ पर मैं दिखा रखा हूँ मतलब स्टिकर्स वगैरह। तो अगर आप फ्री वाला डाउनलोड करोगे तो उसमें नहीं मिलेगा आपको। तो ये कुछ इस तरीके से मतलब मेरा जो थंबनेल है वो बन गया। तो इतना आसान था थंबनेल बनाना, शायद आप सभी को चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर सेव करने के लिए आपको सेव एज इमेज में जाना है, और जो सेव कर लेना है आप यहाँ से कस्टम में जाकर के अल्ट्रा वल्ट्रा भी जो मतलब कर सकते हो आपकी इच्छा है। तो कुछ इस तरीके से थंबनेल जो वो क्रिएट होता है। वीडियो बहुत लंबी हो गई, शायद आप अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और थंबनेल कैसा बना वो यार मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में।